हेलो, आज हम करेंगे क्लास 8 की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें इन सारे फिगर्स में जो एक्स की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये, इस डायग्राम में हमें एक्स फाइंड करना है। तो ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की जो इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उन सबका सम होता है, वो होता है 360। तो अब हमें अगर ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें इन सारे एंगल को प्लस करना होगा। तो इन सबको प्लस करने के बाद आएगा हमारा 360। तो 360 के बाद हमें इन तीनों को प्लस कर लेंगे। तो इन सब इन तीनों को प्लस करने के बाद आएगा हमारा 300। फिर प्लस करेंगे हम इसके अंदर एक्स इक्वल्स टू 360। तो अब हमें एक्स निकालना है, तो हम 360 को वहीं पर रखकर 300 को पीछे ले जाके इससे माइनस कर देंगे। तो हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी 60 डिग्री। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके भी सारे सम एंगल होंगे, उनका सम होगा 360। वही हमें इसमें करना है, इन सबको प्लस करेंगे। तो इन सबको प्लस करने पे हमारा आएगा 220 डिग्री। अब हम इसमें प्लस कर देंगे एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें एक्स निकालना है, तो हम जैसे उसमें पिछले वाले क्वेश्चन पॉइंट में किया था, हम इसे यूं रखकर 220 को पीछे ले जाएंगे। उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। अब नेक्स्ट, हमें इस पॉइंट में पहले यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम इसे x और y मानकर x y की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो हम x y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये पूरी लाइन का जो सम होता है वो होता है 180। तो जब हम इसे करेंगे 180 माइनस, यहाँ का एक साइड का एंगल है वो है 70। तो अब हम इसे माइनस करते हैं, तो हमारा आएगा 110। तो हमारी जो वाई की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 110, यानी कि हमारा ये एंगल होगा 110। अब हम इसी तरीके से इसको भी करते हैं, हम यहाँ पे 60 को माइनस कर देते हैं, तो हमारी जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 120 डिग्री। अब हम सबको प्लस करेंगे, तो हम इन सबका सम करेंगे। तो हम इन सारे एंगल ले लेंगे, जैसे इसका एक एंगल होगा 110 डिग्री, एक होगा 120 डिग्री, एक होगा 30 डिग्री। तो उसमें प्लस करेंगे हम ये वाला एक्स और ये वाला एंगल, तो ये दोनों एक्स एक्स हैं, तो हम एक्स प्लस एक्स कर लेते हैं। इन सबका सम होगा 540, क्योंकि ये पेंटागन है। तो अब हम यहाँ पे इन सबको प्लस कर लेंगे, पर ये एक्स एक्स है तो हम इनको 2x मान लेते हैं। अब हम इन सबको जब सम प्लस करते हैं, तो इन सबका जो सम आएगा वो आएगा 260 डिग्री, फिर प्लस 2x इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब हमें जब 2x को हम इधर रख के 540 को यहीं पे रखेंगे, और 260 को उस साइड ले जाके हम उसे माइनस कर देंगे। तो फिर 2x के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 280 डिग्री। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए 280 को रख के हम 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो 140 डिग्री आएगी। तो हमारा ये एंगल होगा, ये भी होगा 140, ये भी होगा 140। अब इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ एक एक्स दे रखा है डायग्राम के अंदर, पर हम सब एंगल्स की वैल्यू एक्स रख लेते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 5x है। तो 5x की ये पेंटागन है, तो इसके जो सारे एंगल्स का सम होगा वो होगा 540 डिग्री। तो हम इन्हें यहाँ पे रख के हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 540 से हम 5 को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी 108। तो आज से इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।